हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं कुंदन और आपके अपने चैनल कुंदन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 24 मार्च और 24 मार्च से जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च, 21 मार्च, 19 मार्च, 18 मार्च। तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च 2020 को मनाया गया। इस बार के विश्व गौरैया दिवस का थीम था आई लव स्पैरो। द नेचर ऑफ फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इकोसिस एक्शन फाउंडेशन ऑफ फ्रांस और दुनिया भर के विभिन्न अन्य संगठनों के साथ मिलकर पहल शुरू की। 2 दशक पहले तक हाउस स्पैरो घरों के गुआओं में रहने वाला एक सामान्य पक्षी था, लेकिन अब यह खतरे में है। गौरैया अब प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की रेड लिस्ट में एक लुप्त प्राय प्रजाति है। 2012 में घरेलू गौरैया को दिल्ली का एक राज्य पक्षी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत किस योजना की शुरुआत की है? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य खुशी कार्यक्रम, स्कूल ज्ञान कार्यक्रम, जन जागरूक कार्यक्रम। तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, जो स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर कड़ी निगरानी रखने में मदद करता है। इसका उद्देश्य स्कूल के बच्चों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त रखना है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कुल 11 विषयों की पहचान की गई है, जिनमें प्रजनन स्वास्थ्य और HIV की रोकथाम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने हाल ही में परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका। तो अभी अमेरिका ने हाल ही में सफल परीक्षण किया है। अमेरिका ने हाल ही में अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक इस मिसाइल की गति ध्वनि की गति से कम 5 गुना ज़्यादा होगी। इस लिहाज से यह मिसाइल 6200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा गति से दुश्मन पर हमला करेगी। यह बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी किए गए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 144वां, 122वां, 111वां, 99वां। तभी हाल ही में 144वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने 20 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के अवसर पर खुशहाली सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक के अनुसार भारत को 144वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि फिनलैंड ने पहला स्थान हासिल किया। इस रिपोर्ट को बनाने में उपयोग किया गया डेटा वर्ष 2018 और 2019 में एकत्र किया गया था। डेनमार्क और स्विट्जरलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। इस सूची को कोरोना वायरस के समय सकारात्मक दृष्टि से देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पर्वतारोही है जो 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाला पहले भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया है? आशुतोष वर्मा, सत्यरूप सिद्धांत, विक्रमजीत सिंह, आर्यन घोष। तो दोस्तों, यह सत्यरूप सिद्धांत है। सत्यरूप सिद्धांत ने ही 7 महाद्वीप में सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर चढ़ाई की है। 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई करके अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है। उन्होंने विश्व के सभी 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले उन्होंने जनवरी 2019 में दुनिया के 7 महाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ने का रिकॉर्ड हासिल किया था। उनके पास पहले से ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ब्रिटिश बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और चैंपियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी दवाओं की मंजूरी प्रदान की गई है? 4, 3, 2, 1। टू दवाओं का, टू मेडिसिन्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने COVID-19 के मरीजों के लिए इलाज के लिए दो दवाइयों की घोषणा की है। उन्होंने हाइड्रोक्विज क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन नाम की दो दवाइयां पेश की हैं। ट्रंप का दावा है कि दोनों दवाइयां मेडिसिन के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होंगी। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पहले ट्रंप प्रशासन ने क्लोरोक्विन नामक एंटी मलेरिया मेडिसिन की मंजूरी दी थी। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया 10 मिनट में कोरोना की पहचान करने वाला किट दुनिया भर में पहुंचाने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी का 83 वर्ष की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया? प्रदीप कुमार बनर्जी, नरेंद्र गहलोत, अनुरुद्ध थापा, वाई चिमुटिया। तो प्रदीप कुमार बनर्जी का निधन हुआ अभी हाल ही में। भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी प्रदीप कुमार बनर्जी का 83 वर्ष की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। पीके बनर्जी को वर्ष 1961 में अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 1990 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा पीके बनर्जी वर्ष 1962 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम का भी हिस्सा थे। उन्होंने फाइनल मुकाबले में भारत के लिए गोल भी किया था। पीके बनर्जी ने अपने संपूर्ण करियर में भारत की ओर से कुल 84 मैच खेले थे, जिनमें उन्होंने कुल 65 गोल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पानी के महत्व और इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालना है। इस वर्ष विश्व जल दिवस का विषय लिविंग नो वन बिहाइंड है। विषय लिविंग नो वन बिहाइंड है। इस विषय का चयन संयुक्त राष्ट्र जल निकाय द्वारा किया जाता है। विश्व के कम हो रहे जल स्रोतों और पीने के पानी की किल्लत के कारण यह दिवस बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से देश भर के लोगों को 22 मार्च को अपने अपने घरों में रहने की आह्वान किया? जनता कर्फ्यू, कर्फ्यू, पब्लिक डिस्टेंस, नो टू कोरोना, स्टे एट होम। तो जनता कर्फ्यू नाम से, इसको जनता कर्फ्यू नाम दिया गया। जनता कर्फ्यू का मतलब है जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मार्च 2020 को देश भर की जनता से घर में रहने की अपील की थी, इसे उन्होंने जनता कर्फ्यू नाम दिया था। यह सरकारी या प्रशासन की तरफ से लगाई गई पाबंदी नहीं थी, बल्कि लोगों द्वारा लोगों के लिए लिया गया फैसला था। इस अपील का असर देश भर में देखा गया था। 22 मार्च को लोगों ने अपने घरों में रहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को स्वीकार किया। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टरों और अन्य सेवा कर्मियों का धन्यवाद देने के लिए 5 बजे ताली थाली बजाने का भी आह्वान किया था, जिसका समर्थन पूरे देश में देखा गया। ऐसा पहली बार हुआ था जब पूरे देश में लोगों ने अपने अपने घरों से तालियां थालियां बजाकर कोरोना वायरस के समय पर लोगों की सेवा में लगे डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों का आभार अभिवादन व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया, फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया इन्होंने। कमलनाथ ने 20 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन को सौंप दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 22 बागी विधायक को त्याग पत्र देने से सियासी संकट पैदा हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी दिनों से कांग्रेस में हो रही उनकी उपेक्षा के चलते नाराज थे। उन्होंने हाल ही में भाजपा का दामन थाम लिया। वे मध्य प्रदेश से पार्टी के राज्यसभा सीट के उम्मीदवार भी बन गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव परिणाम 11 दिसंबर 2018 को आया था। इसमें कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक सीटें जीतकर सरकार में आई थी। तो दोस्तों, ये था आज का हम लोग का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।